बाबा थक गई मैं। दाल चावल चढ़ाना है, पहले कुकर लगा देती हूँ, बाद में भाजी काटती हूँ। अरे बाप रे, मानव अब बस कीजिए, आप थोड़ी देर बैठ जाइए। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आई ठीक हो जाएंगी। कुछ होना भी नहीं चाहिए हर्ष, अगर आई को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। बाबा ये सब हुआ कैसे? मुझे ठीक से नहीं पता, मैं अपने दोस्त के साथ घर के बाहर खड़ा था, एकदम धमाके की आवाज आ गई। मैंने अंदर जाके देखा तो सविता बेहोश की हालत में पड़ी थी। मानो अब कैसे आई? पता से हर अंदर है, जब तक डॉक्टर आके कुछ बोलते नहीं कुछ कह नहीं सकते। मानो तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तूने बंदे तो बताया तो नहीं? नहीं। अच्छा क्या यार, डॉक्टर आई? मानो उनका एक्सीडेंट जरूर हुआ था और जान का खतरा भी बना हुआ था, लेकिन अब वो बच गई हैं। कुछ मामूली चोटें आई हैं लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है जी। अच्छा एक बात बताइए, क्या उन्हें किसी किस्म की कोई दिमागी बीमारी थी? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं डॉक्टर? क्योंकि वो मानसिक तनाव में जी रही हैं, हद से ज्यादा सोच रही हैं, जिसका सीधा असर उनके शरीर पर पड़ा है। ओवर स्ट्रेस की वजह से वो काफी कमजोर हो गई हैं और जिसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। मतलब वो एक्सीडेंट के? वही तो मैं कह रहा हूँ, उनके बेहोश होने की वजह ये एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि उनका अपना मानसिक संतुलन है जो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है, और मुझे डर है कहीं वो डिप्रेशन में ना चली जाए। और फिर उनका ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया है कि। लेकिन उसे तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। एग्जैक्टली, लेकिन अब उनके शरीर में ताकत ही नहीं बची है, ब्लड सर्कुलेशन में भी असर हो रहा है, यहाँ तक कि उनके दिमाग ने सिग्नल देना भी बंद कर दिया है। ऐसा उस व्यक्ति के साथ होता है जिसकी जीने की तमन्ना ही खत्म हो चुकी हो। मैं नहीं जानता उनके बारे में ऐसा क्या हो रहा है, वो क्यों इस दौर से गुजर रही हैं, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर अभी उन्हें नहीं संभाला गया तो वो बहुत तेज़ी से डिप्रेशन में आ जाएंगी, और इस उम्र में डिप्रेशन में आना काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन डॉक्टर फिर हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर? सिर्फ एक ही इलाज है,
आप लोगों को उनमें फिर से जीने की तमन्ना जगानी पड़ेगी। हम डॉक्टर सिर्फ दवाइयाँ दे सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ तभी काम आ सकती हैं जब पेशेंट में जीने की तमन्ना हो, जीने की चाहत हो। अदरवाइज ये दवाइयाँ किसी काम नहीं आएंगी। थैंक यू डॉक्टर। क्या हालत बना लिया है तूने? वो भी किसके लिए? अपने इस बेटे के लिए? नहीं है, मैं इतना काबिल नहीं हूं कि तू इस बेटे के लिए अपने जान के साथ खिलवाड़ कर। वो दुख दिया ना मैंने तुझे, प्लीज मुझे माफ कर दे। आई आंख खोलना है, प्लीज मुझे माफ कर दे। देख, अगर तू मुझे माफ नहीं करेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। प्लीज, बहुत गलती हो गई मुझे, प्लीज मुझे माफ कर। अगर जान देनी ही थी तो मुझे पूछ कर देती, मैं तुझे इससे ज्यादा आसान तरीके बताता। ये ले, मैं तेरे लिए नारियल पानी और ये कुछ फ्रूट्स लाया हूं। चल, ये पहले नारियल पानी पी ले और बाद में फ्रूट्स खा ले थोड़े। सविता, मैं क्या कर रहा हूं सुन रही ना तू? सविता, नारियल पानी पी। सविता, तू समझती क्या अपने आप को? हमेशा अपनी मर्जी चलाती रहेगी तू? अरे, खुद के सिवा किसी को अहमियत दी है तूने? मैं तेरा पति हूं, अगर इतनी सी बात तुझे कही और तूने मानी तो तू छोटी नहीं हो जाएगी। सविता, तुझे सच कहूं, तेरे जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हमेशा अपनी मर्जी से और अपनी खुशी के लिए तू जीती है, दूसरा जिए या मरे तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नारियल पानी तुम्हें पी लो, तुम्हें जरूरत है पानी की, तुम्हें पी लो वो पानी। देख, मैंने तेरी बात मान ली, अब
तू ही मेरी बात बन। चल खा ले, फ्रूट खा ले। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मेरा मन नहीं है। नहीं मन नहीं है फिर भी तुझे खाना पड़ेगा। नहीं चाहिए। देख सविता, अगर जिंदगी में तूने कभी गलती से भी मुझे अपना पति माना होगा तो तुझे ये फ्रूट खाना ही पड़ेगा, वरना मैं समझूंगा कि तेरी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। ले ले, ले। सविता, तुझे क्या हो गया ये? सविता, ए सविता, ए ए नर्स, कोई डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर, डॉक्टर। आपने उन्हें जबरदस्ती फल खिलाए? जबरदस्ती मतलब डॉक्टर, कल से उसने कुछ खाया नहीं था और दवाएं भी चल रही है, तो मैंने सोचा कि गर्मी बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने फोर्स करके थोड़ा फ्रूट खिला दिया उसको। मैंने मना किया था ना आपसे, अगर वो कुछ चीज नहीं करना चाहती तो उन्हें जबरदस्ती मत कीजिए, अगर वो खाना नहीं चाहती हैं तो उन्हें जबरदस्ती मत खिलाइए। जब भी उनका दिल चाहेगा वो खुद मांग कर खा लेंगे और वही उनकी सेहत के लिए अच्छा भी होगा। जबरदस्ती करने का अंजाम तो देख लिया ना आपने। लेकिन डॉक्टर, उससे उसकी कमजोरी बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग जिस तरह से उन्हें ठीक करना चाहते हैं ना, उस तरह से ठीक होना तो उनका लगभग नामुमकिन है। वैसे एक बात सजेस्ट करूं मैं आपको? हाँ डॉक्टर साहब, कहिए ना। अगर आप उनका अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं तो ही उन्हें अपने घर लेकर जाइए, वरना किसी अच्छे से रिहैब सेंटर में डाल दीजिए। मानव, मैं जानता हूँ कि ऐसे पेशेंट का घर में रखना घर वालों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, वो मेरी आई हैं, मैं उनको अपने घर पे नहीं रखूंगा तो कहाँ रखूंगा? देखिए, आपको आगाह करना तो मेरा फर्ज था, सो मैंने कर दिया, आगे डिसीजन तो आप लोगों का ही है। और हाँ, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, वो सो रही हैं, जागने के बाद आप उन्हें अपने घर ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, ये बहुत ही नाजुक मामला है, और हाँ, कुछ भी करते वक्त आपको काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, मेरे पीछे क्या कर रहा है? मैंने अभी अभी तुझे वहां उस आदमी से लगता है इस दिन में ही चढ़ा लिया है। चुप, क्या बात कर रहा है तू? तो फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे? पिछले एक घंटे से मैं आपके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, ये सोचकर कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और आप लोग उल्टा मुझ पे। तू सच बोल रहा है ना? अरे मैंने अभी अभी उस आदमी से बात करते हुए। अरे ये शिबू के कपड़े, नहीं उसके कपड़े कुछ अलग थे, ये डेफिनेटली नहीं थे। शायद मैंने किसी और को देखा और तुझे समझ बैठा। अब छोड़ो भी दादा, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना कि इसके लिए इतनी बहस करें। चल मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ और काम है, मुझे देर हो रही है। आई नो वेयर आर यू गोइंग मिस्टर अजीत, आई नो। बात ध्यान में रखना बेटा, तेरे बगैर जीना सीख लिया है यार। बार बार मेरे सामने आकर मुझे क्यों तकलीफ देना चाहता है बेटा? जब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, तूने रिश्ता खत्म कर दिया है, तो ये सब क्यों?
उनके बेहोश होने की वजह ये एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि उनका अपना मानसिक संतुलन है जो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। ऐसा उस व्यक्ति के साथ होता है जिसकी जीने की तमन्ना ही खत्म हो चुकी हो। मानव, ये लीजिए चाय। मुझे चाय नहीं पीना। मानव आप प्लीज पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ऐसा मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं तुम आई तीनों साथ में खुशी खुशी रह सके? वो आई अपनी जिंदगी खराब करने पे तुली हुई है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इस दुनिया में मेरे से गंदा बेटा दुनिया में नहीं होगा। मानव प्लीज ऐसा मत बोलिए। हर तरीका अपना है, हर मुमकिन सलूशन ढूंढने की कोशिश। अच्छा हम इस तरह आई को अकेला मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। सोच रही सही, मेरे कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? मानव मेरे पास एक आइडिया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मानव मैं ये सोच रही हूँ कि ये बहुत रिस्की नहीं है, नहीं ऐसा ना हो कि हम करने कुछ और जाए और हो कुछ और जाए। मुझ पर विश्वास रखिए मानव, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। कर रही इधर? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मतलब आई मैं यहाँ हमेशा के लिए रुकने आई। ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी, और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, आप भी नहीं। ये क्या बड़बड़ाई जा रही है? किसने कह दिया इसे? किसी के कहने की क्या जरूरत है आई? भाई ये घर मेरा ही है, आपको याद है ना मैंने आपके बेटे से शादी की है, और ये आपके बेटे का ही घर है, तो जाहिर सी बात है ये घर मेरा ही होगा। जिस दिन तूने और मेरे बेटे ने शादी की उसी दिन से तुम्हारा और मेरा रिश्ता टूट गया। मेरे बेटे ने अपने मुंह से कह दिया है कि वो मेरा बेटा नहीं है, तो तू कैसे इस घर की बहू हो सकती है? निकल यहां से, तूने सोचा ही कैसे इधर आके रहने का? चल बाहर चल। आई किसी के कहने सुनने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते, और ना उसके अधिकार खत्म हो जाते। एक बात और है, मैं यहां जाने के लिए नहीं, यहां रुकने के लिए आई, और मैं यहां से नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आपके साथ। घर मेरा है, तेरे बाप का नहीं। तूने सोचा ही कैसे इधर आके रहने का? बोल ना। भाई मैं यहां रहूंगी तो आप क्या कर लेंगे? मुझे मारेंगी, मुझे पीटेंगी, या मुझे बहुत सारी गालियां देंगी? मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन ये बात भी उतनी ही पक्की, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी और यही रहूंगी। दो पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती आंखों के सामने, समझा ना? इसको कह दो इधर से जाने के लिए, वरना समझ में नहीं आता मैं इसको क्या। अल्लाह अल्लाह देवा, अरे बाप रे, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बुरी तरह से पेश आ रही हूँ मैं आपसे, लेकिन अगर आपकी भलाई के लिए मुझे बुरा बनना पड़े तो मुझे मंजूर है। अगर मेरी बदतमीजी आप ही का इलाज है तो यही सही है।